हेलो एस्पिरेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज योर जीके के जी एसमेंट आशीष कुमार सिंह इन फ्रंट ऑफ यू एंड हे आई एम टुडे अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट्स बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कैन यू जस्ट लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंडबल सो दट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास फॉर द डे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं जल्दी से बता दें सो दैट वी कैन स्टार्ट ओके आई थिंक आई एम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड दैट इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ठीक है दिस सेशन इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ओके सो एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स आर वी गुड टू गो चलो ठीक है थैंक यू फॉर लेटिंग में नो खुशी आगे बढ़ते हैं ठीक है सो बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट फोर्टी परसेंट ऑफ ऑन ऑल रेगुलेटरी एग्जाम्स पैकाज पैक इज बी गिविन दिस फेस्टिव सीजन बाई ऑली बोर्ड सो यू कैन जस्ट यूज द कोड सेव एंड यू कैन जस्ट ग्रैप द ऑफर ठीक है ऑफर ले सकते हो फोर्टी परसेंट ऑफ है सारे कोर्सेज पे चलो अब स्टार्ट करते हैं द मेजर अपॉइंटमेंट्स फॉर द ईयर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो महेंद्र सिंह धोनी ठीक है गुड इवनिंग दीपिका गुड इवनिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो महेंद्र सिंह धोनी सर महेंद्र सिंह धोनी हैज हैजिन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस बी आई ठीक है मेनी ऑफ द यू नो एक्टर्स क्रिकेटर्स पॉलिटिशियंस स्पोर्ट्स परसन गुड गुड इवनिंग सुमित दे आर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सम बैंक और सम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है लेकिन एस बी आई बहुत ही प्राइम बैंक है ठीक है डी एस आई बी बैंक है टू बिग टू फेल बैंक है

तो चार ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अभी अभी महेंद्र सिंह धोनी सर का टाइप हुआ है एस द ब्रांड एम्बेसडर सो इट इज द इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज टू रिमेंबर दैट हीज बीन अपॉइंटेड विद सो वैंड सो ऑर्गनाइजेशन इस स्लाइड को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं नाव हेड कोच ऑफ इंडियन वोमेन टीम वी हैव सीन दिस इन अवर करेंट अफेयर सेशन ऑल्सो ठीक हैड कोच ऑफ इंडियन वोमेन्स क्रिकेट टीम हुए हैं अमोल मजूमदार सर ठीक है सो अमोल मजूमदार सर इज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम एंड दैट इज वाई हिज नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हीज ऑल्सो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर ये एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर है अमोल मजूमदार सर और ये बने हैं अभी इंडियन वोमेन टीम के हेड कोच ठीक है जस्ट रिमेंबर हिज नेम नाउ राजकुमार राव राजकुमार राव सर भी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है एंड फॉर अ प्रोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन ही हैज बीन इलेक्टेड और सिलेक्टेड एज द नेशनल आइकन ठीक है ही हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये नेशनल आइकन सिलेक्ट हुए हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है दैट इज फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इलेक्शन 2024 के इलेक्शंस के लिए इनको नेशनल आइकन सिलेक्ट किया गया है नेशनल इलेक्शन है नेशनल आइकन है इलेक्शन कमीशन के हमारे राजकुमार राव सर इनका भी नाम याद रखना जस्ट रिमेंबर हिज नेम ठीक है जस्ट रिमेंबर पीडीएफ इसका पी अपलोड होगा पीडीएफ आई विल सेंड इन द ज्ञान की बात वाला ग्रुप ठीक है अगर इफ एट ऑल आई एम नॉट एबल टू सेंड इट जस्ट रिमाइंड मी ठीक है जस्ट रिमाइंड मी आई विल सेंड इट ठीक है यू कैन जस्ट रिमाइंड मी ऑन द टेलीग्राम चैनल आप हमको बता देना आई विल सेंड इट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स नाव कोटक महिंद्रा बैंक न्यूज सीईओ सो येट अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज वॉट दैट कोटक महिंद्रा बैंक हैज गॉट अज सीओ दिस हेज बिन ऑल्सो इन न्यूज ठीक है अशोक वासवानी सर उसको स्टार मार्क करके रख लेना अशोक वासवानी सर को मत भूलना वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वेन इट कम्स टू बैंकिंग एग्जामिनेशन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ना न्यू सी एम डी ऑफ आई आर सी टी सी सी एम डी का मतलब क्या होता है न्यू चेयरपर्सन न्यू चेयरपर्सन एंड अलॉन्ग विद दैट मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई आर सी टी सी संजय कुमार जैन सर ठीक है संजय कुमार जैन संघ जैन सर ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन आईआरटीएस ऑफिसर इंडियन रेलवे के ऑफिसर होंगे ही वुड हैव क्रैक यूपीएससी का एग्जामिनेशन एंड ही वुड हैव बिकम द आईआरटीएस ऑफिसर एंड नाउ ही इज द सीएमडी ऑफ सर ही इज द सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी सो वेरी इंपॉर्टेंट संजय कुमार जैन सर सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी ये भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है संजय कुमार जैन को एसोसिएट कर लेना क्विकली विद विद द क्विकली द आईआरसीटीसी नाउ न्यू गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड टू न्यू गवर्नर मेनी न्यू गवर्नर

ऑफ इंडिया एट दू एन ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अभी तक तीन अपॉइंटमेंट को हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दिया है वन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक न्यू सीईओ और जो भी कह लो सी एम डी सी ईओ उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है अरिंदम बागची यूनाइटेड नेशन एंड देर आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी और संजय कुमार जैन सर को भी याद रखना सो अरिंदम बागची न्यू इंडियन अम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हिज नेम नाव जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सी जे आई ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट मेनी जजेस हैव बीन अपॉइंटेड एज द सी जे आई ऑफ मेनी हाई कोर्ट ठीक है सो इन द होल सेशन वी विल सी द नेम ऑफ मल्टीपल जजेस ठीक है

ठीक है द नेम ऑफ द चीफ इज लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ही इज लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन एंड ही इज द चीफ ऑफ बी आर ओ दट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द प्रोमिनेट ऑर्गेनाइजेश मैनेजमेंट ऑफ द रोड्स विद्डर एरिया के लिए बी आर ओ रिस्पॉन्सिबल होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो चीफ बने हैं ही इज लेफ्टिनेट जनरल रघु श्रीनिवासन ऑब्वियसली कोई आर्मी के ही पर्सन इसके चीफ हो सकते हैं बिकॉज इट इज अबाउट द कनेक्शन ऑफ द बॉर्डर रोड ठीक है जस्ट मैं ओके नाउ रजनीश कुमार न्यू चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया ठीक है यह इंपॉर्टेंट है कि यह मास्टर कार्ड के चेयरमैन है ठीक है ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द मास्टर कार्ड इंडिया बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो ही वॉज द फॉर्मर बॉस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सी हीज दिस पर्सन ही ही इज नाउ द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया एंड ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन एनी वॉन्ट टेल मी हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को क्विकली जल्दी से बता दो वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स इन आवर सेशन कैन एनी वॉन्ट टेल मी हु इज द करेंट चेयरमैन हु इज़ द करेंट चेयरमैन करंट चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश सर जो है ही वॉज फॉर्मर चेयरमैन एंड नाव ही इज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इन इंडिया कैन यू टेल मी सुमितज गि दिनेश खरा सर इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इज द चेयरमैन ऑफ एस बी आई ठीक है शाहनवाज अहमद हेलो हेलो शाहनवाज ठीक है थैंक यू आर एस एंड सुमित फॉर लेटिंग मी नो नाव

होते हैं दीज दीजोन्स आर दो जोन विद इन इंडिया वेयर इन सम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज गिवेन इकोनॉमिक फ्रीडम इज गिवे टू डू द ट्रेड फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ट्रेड करते हो कहीं भी पैन इंडिया किसी भी लोकेशन से ठीक है लेट लेटर सपोज दैट यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम पटना ओके पटना इज माय सिटी सो पटना इज नॉट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सो यू विल हैव टू पे द इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्ज सपोज दट इंपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चार्ज इज टेन टू टुवेल्व परसेंट बट इफ यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग सर चार्ज एवरीथिंग गॉट रेड्यूस टू फाइव परसेंट ठीक है सो देर आर सम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आर गिवन टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड गिफ्ट सिटी इज वन सच जोन ठीक है दैट हैज बीन ओपनड इन गुजरात गिफ्ट सिटी ज वन सच जोन बीन ओपन इन गुजरात एंड हेयर वी हैव न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी एंड दैट इज वाई द चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस सेटरी बिकॉज गिफ्ट सिटी इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ट्रेड इन ठीक है ट्रेड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गिफ्ट सिटी ठीक है सो जस्ट रिमेंबर सुमित वेन आई विल कम पटना आई विल श्योरली मीट यू ठीक है सो ही वॉज यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं दैट मीन्स ही इज एन आई ऑफिसर ठीक है ही इज एन आई ऑफिसर जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट नाउ मूव फॉरवर्ड न्यू मेंबर ऑफ यूपीएससी डॉक्टर दिनेश दास ही इज डॉक्टर दिनेश दास ठीक है जस्ट रिमेंबर हिज नेम हीज डॉक्टर दिनेश दास ही इज द न्यू मेंबर ऑफ यू पी एस सी कैन एनी टेल मी हु इज दिस पर्सन कैन एनी वन टेल मी हुई दिस पर्सन ठीक है डॉक्टर दिनेश दास हैजेक ओथ एज द न्यू मेंबर ऑफ यू पी एस सी ठीक है यू पी एस सी के न्यू मेंबर है डॉक्टर दिनेश दास एंड दैट इज दिस पर्सन कैन एनी वन टेल मी हु इज दिस पर्सन कैन एनी वन टेल मी क्या कोई बता सकता है ये कौन व्यक्ति है मनोज सोनी राइट ही इज मनोज सोनी ठीक है सो जस्ट रिमेंबर ही इज मनोज सोनी द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी ठीक है मनोज सोनी जस्ट नेम ऑल्सो चलो आगे बढ़ते हैं नाउ के शांत कुमार न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको भी हम लोगों ने अपने न्यूज में कवर करा था के शांत कुमार हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिया चैनल इन द न्यूज ठीक है मीडिया चैनल में can you again tell special economic zone okay let me tell you special economic zone see special economic zones are zones wherein you know we have freedom to do trade फॉर एग्जाम्पल की दीपिका इफ यू आर लिविंग इन एनी नॉर्मल प्लेस लेटसर लिविंग इन दिल्ली ठीक है तो तुम दिल्ली से अगर कुछ ट्रेड करती हो इफ़ यू आर डूइंग एनी ट्रेड फ्रॉम दिल्ली यू हैव टू तो पे टैरिफ समझो कि यू हैव टू तो पे अ टैक्स टू द गवर्मेंट ऑफ इंडिया ज्यादा डीप नहीं जाते हैं इतना याद रखते हैं कि वी हैव तो टू पे अ टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब वो टैक्स तुमको दस से बीस परसेंट यू हैव टू पे राइट बट इफ यू आर

मोर प्रॉफिट राइट और गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज मिलता है गवर्नमेंट को एडवांटेज ये मिलता है एक जोन में आके काम करते हैं तो उनका मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अच्छा हो जाता है एंड दैट इज वाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर ओपन पैन इंडिया तो इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठीक है गिफ्ट इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज दैट क्लियर टू यू दिपिका क्लियर है आगे बढ़े के शांत कुमार तक हम लोग देख चुके थे नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड राहुल नवीन न्यू डायरेक्टर ऑफ ईडीट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ बॉडी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको याद रख लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ईडी ईडी लुक्स ओवर द मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी केस होता है ना मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी वगैरह का ट्रांसफर हवाला का पैसा ठीक है हवाला का पैसा जनरली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको लुक ओवर करती है एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर राहुल नवीन नेम्स ठीक है राहुल सर का नाम याद रख लेना बिकॉज ही इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ ई डी एंड ही विल लुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द हु विल लुक ओवर द मैनेजमेंट और

तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस मच फैक्ट अबाउट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाउ मूविंग फॉरवर्ड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफ ठीक है दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के नए जो प्रेसिडेंट है दैट इज आर माधवन सर ठीक है जस्ट रिमेंबर आर माधवन सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ एफ टी आई आई न्यू प्रेसिडेंट ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड पी आई बी वी हैव गॉट अ न्यू चीफ ऑफ पी आई बी एवरी डे यू ऑल सी द क्लास ऑफ पी आई बी एट सेवन पी एम बाई लक्ष्मी मेमराइड सो पी आई बी ऑल्सो हैज अ चीफ ठीक है पी आई बी के भी एक चीफ होते हैं द चीफ इज मनीष देसाई हेयर द पी आई बी चीफ इज मनीष देसाई वी ऑल्सो यूज द पी आई बी डेटा इन आवर करेंट अफेयर्स सेशन्स ठीक है करंट अफेयर्स के सेशन्स में हम लोग पी आई बी का यूज़ करते हैं एंड धैन रिमेंबर मनीष देसाई सर इज द न्यू चीफ ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाउ दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाई बिकॉज शी इज द फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड एंड ऑब्वियसली सिंस शी इज हैडिंग द रेलवे बोर्ड शी मस्ट बी एन आई आर टी एस ऑफिसर जस्ट लाइक जस्ट लाइक संजय कुमार जैन सर संजय कुमार जैन सर क्या कर रहे हैं संजय कुमार जैन सर इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई आर सी टी सी एंड जया वर्मा मैन मैम इज द न्यू चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड एंड शी इज द फर्स्ट वोमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ठीक है सो जस्ट रिमेंबर इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड ये हिस्टोरिकल फैक्ट है बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट है बिकॉज रेलवे इज हंड्रेड प्लस ईयरस ओल्ड हंड्रेड प्लस ईयर ओल्ड है ठीक है एंड स्टिल वी हैविंग जस्ट नाउ द फर्स्ट वो चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड एंड दैट इज वाई दिस न्यूज ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ अफ टू रिमेम्बर ठीक है जया वर्मा का नाम याद रख लेना है हम लोग को अच्छे से नाउ मूविंग फॉरवर्ड न्यू एन जी टी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा ठीक है सिंस वी ऑल नो दैट द कोर्ट्स आर ऑलरेडी लोडेड लॉट्स ऑफ यू नो केसेस कोर्ट्स में बहुत सारे लॉट्स मतलब मल्टीपल अमाउंट में लोडेड होते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है स्पेशल कोर्ट फॉर द इन्वायमेंट रिलेटेड केसेस तो जो इन्वायमेंट रिलेटेड केसेस है उसके लिए जो कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ है दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक है अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इट्स ओन चीफ जस्टिस तो ही इज द हेड ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और द चीफ जस्टिस ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दट इजिस प्रकाश इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है एनजीटी एंड उसके चेयरपर्सन सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम जस्टिस प्रकाश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव आई एम हैविंग अ फ्रेंड हुज नेम इज प्रकाश श्रीवास्तव सो आई कैन इज़ली रिमेंबर हिम ओके आई कैन इजिली रिमेंबर हिम

इंस्पेक्टर पोस्ट इज गिवेन अंडर द सबीआई वन ऑफ माई ब्रदर इज इंस्पेक्टर अंडर द सबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडेड इन टैक्स एंड कस्टम ठीक है सो ही इज ही अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एंड सीबीआईसी इज गॉट अ न्यू चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल इज द न्यू चेयरमैन सी बी आई डू नॉट गेट कन्फ्यूज ठीक है संजय कुमार अग्रवाल एसोसिएटेड है संजय कुमार जैन आई आर सी टी सी से एसोसिएटेड है आई आर सी टी सी से ही एसोसिएटेड

CMD of PFC, and that is also a very important news. The new chairman and managing director of Power Finance Corporation. Power Finance Corporation is a body that works under the Ministry of Power Government of India and Parminder Chopra Ma'am is the new CMD of Power Finance Corporation, the first woman CMD of PFC. So two major appointments when it when it is about women, and that is especially about the first woman. Sabse pehla, Jaya Mamka ठीक है जया मैम का जो कि रेलवे बोर्ड की, की हेड बनी है एंड फॉलोइंग वी हैव सीन परमिंदर मैम सो जया एंड परमिंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम इंपॉर्टेंटिव रेलवे बोर्ड एंड परमिंदर चोपड़ा सी एम डी ऑफ पी एफ सी ठीक है ठीक है तो याद रखना है सी एम डी ऑफ पी एफ सी ठीक है जया एंड परमिंदर इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला कोर्ट ठीक है जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ठीक है सो हिज नेम इज जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई आई विश आई कोड ऑल्सो बिकम अ जज जस्टिस आशीष कुमार सिंह बट नेवर माइंड हिज नेम इज ऑल्सो माई नेम कहीं ना कहीं इनिशियल्स तो है सो जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट रिमेंबर इट ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट अब बहुत सारे चीफ जस्टिस आए हैं जैसे जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ठीक है सो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी इज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट ठीक है ये ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है ओके चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट विद्युत रंजन सारंगी ठीक है यू कैन रिमेंबर इट बाई बी आर एस बी आर एस याद रख लो और फॉर मेनी अदर निमोनिक यू कैन जस्ट रिमेंबर इट यू कैन रिमेंबर इट बाई ओ बी ऑल्सो ऑलि बोर्ड ओडिशा विद्युत ठीक है And Vidyut. so just remember form mnemonic and remember these names of chief justice of different high courts now new dg of indian coast guard kafi important hai. the name is rakesh pal why very important because he is the 25th dg 25th dg is he and that is why it is very important for all of us to remember that all of us to remember that he is the <coughs> 25th dg of icj and the name is rakesh नाव न्यू डी जी ऑफ आर पी एफ मनोज यादव सर विल बी प्रोटेक्टिंग द आर पी एफ और विल बी लीडिंग द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ठीक है आर पी एफ इज अ प्रोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन वेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पैसेंजर्स इन द इंडियन रेलवे सो इंडियन रेलवे के मैनेजमेंट में आर पी एफ का बहुत बड़ा रोल होता है एंड दैट इज वाई मनोज यादव सर वेव अ वेरी ग्रेट रोल वेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ रेलवे एंड हीज द न्यू डी जी ऑफ आर पी एफ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर पी एफ चलो अब आगे आते हैं लेट्स सी अबाउट शाहरुख खान नाम ही काफी है शाहरुख खान द ब्रांड अम्बेसडर ऑफ आई सी सी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आई सी सी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ वेरी स्पेशल वर्ल्ड कप फॉर इंडिया वाई बिकॉज वी हैव येट नॉट लॉस्ट एनी मैच ठीक है सो दैट इज वाई इम्पॉर्टेंट ठीक है ब्रांड अम्बेसडर कौन है शाहरुख खान इसका एक सॉन्ग भी है द सॉन्ग इज दिल जश्न बोले आई गेस दिल जश्न बोले ठीक है इट हैज बिन एक्टर हु प्लेयिंग दिस सॉन्ग इज रनबीर सिंह राइट तो रणवीर सिंह दिल जश्न बोले हैं और शाहरुख खान इज द ब्रांड अम्बेसडर सो इन ऑप्शन द नेम ऑफ रणवीर सिंह ऑल्सो माइट कम जस्ट रिमेंबर ऑफ द सॉन्ग दिल जश्न बोले बट द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर इज नन अदर दैन शाहरुख खान द घटिया सॉन्ग अच्छा आई हैव नॉट हर्ड इट ठीक है सुना नहीं है मैंने नाव नी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे है तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय इज द नेम हाउ वुड रिमेंबर इट जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय डी एन यू फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली ठीक है फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली ठीक है डी यू देवेंद्र उपाध्याय ठीक है और कहाँ के बने हैं बॉम्बे सो फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इज जस्टिस जस्टिस दिवेंद्र कुमार उपाध्याय वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड न्यू सीजेआई ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कोर्ट ठीक है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है दो पर्सन ठीक है आलोक आराधे सर है आलोक आराधे सर कहाँ के हैं तेलंगाना के और धीरज सिंह ठाकुर है आंध्र प्रदेश के ही इज धीरज सिंह ठाकुर एंड ही इज आलोक राधे ठीक है सो so, अलोक राधे सर तेलंगाना के एंड धीरज सिंह ठाकुर इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश कोर्ट ठीक है अब इनको कैसे याद रख सकते हो यू कैन रिमेंबर इन बाई डी पी धीरज सिंह ठाकुर एंड आंध्र प्रदेश जस्ट रिमेंबर इन बाई डी पी ट्राई टू फॉर्म सम निमोनिक्स ठीक है इनको तुम याद रख लो ए स्क्वायर टी से या yeah, टी से याद रख लो टेरिटोरियल आर्मी का एग्जामिनेशन होता so, है टेरिटोरियल आर्मी सो तेलंगाना के आलोक कराते सर टी है सो जस्ट रिमेंबर इन बाई टी एंड रिमेंबर इन बाई डी दैट इज धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश नाव सुनीता अग्रवाल मैम गुजरात की हैं एंड अपरेश कुमार सिंह सर त्रिपुरा के हैं सो हीज नेम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सुनीता अग्रवाल गुजरात एंड अपरेश कुमार सिंह फ्रॉम त्रिपुरा हाई कोर्ट ठीक है ही बोथ ऑफ देम हैव बीन द चीफ जस्टिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ये दोनों अपने अपने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं एंड दैट इज वाई आर ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर नाउ संदीप मेहता सर गुजरात एंड जस्टिस नॉन्ग मई कपम कोइट कोटिश्वर सिंह दैट इज जस्टिस एन डॉट कोटिश्वर सिंह और वी कैन से जस्टिस एन के सिंह एन के सिंह और एक पर्सन है कैन यू रिमेंबर डू यू रिमेंबर एन के सिंह एन के सिंह इनका शॉर्ट फॉर्म तो है ही इनका तो शॉर्ट फॉर्म है ही ंगमे कपम कोटेश्वर सिंह ठीक है और ये कहाँ के जस्टिस है जस्टिस है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कॉमन हाई कोर्ट है इनका राइट कॉमन हाई कोर्ट है कॉमन हाई कोर्ट है एंड दैट इज वाई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के एन के सिंह इज मे कपम कोटेश्वर सिंह यस सुमित फाइनेंस कमीशन सो एन के सिंह वॉज द चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड वन मोर थिंग दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट जो है ना इज द ओनली हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी हु डज नॉट हैव अ शेयर्ड हाई कोर्ट मतलब कुछ शेयर नहीं करती है किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर नहीं करती है इनका अपना हाई कोर्ट है ठीक है ये सारे हाई कोर्ट्स जो भी यूनियन टेरिटरी में है ऑल ऑफ देम आर शेयर्ड दिल्ली हाई कोर्ट इज़ नॉट शेयर्ड सो जस्ट रिमेंबर दिस ठीक है दिल्ली कोर्ट किसी के साथ कोर्ट शेयर नहीं करती है किसी भी स्टेट के साथ किसी भी यूनियन टेरिटरी के साथ दिल्ली डज़ नॉट शेयर इट एनी विथ नी वन शेयर इट विथ एल्स ठीक है जस्टिस एन के सिंह जे एन के लद्दाख एंड जस्टिस संदीप मेहता गुजरात ठीक है ना चेयरपर्सन ऑफ पी एफ आर डी ए दट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वेरी फेमस पर्सन दीपक मोहंती सर

जेपी से याद याद रखना, रख लो ना, जेपीजी, जेपीजी इज द फॉर्मेट ऑफ पिक्चर राइट? जेपीजी इज़ द फॉर्मेट ऑफ़ पिक्चर, सो जनार्दन प्रसाद ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राइट जनार्दन प्रसाद ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है सो आई थिंक वन मोर न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया न्यू डीजीसीआई राजीव रघुवंशी सर इज अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मार्केट्स में दवाई आती है ना दीज ऑल आर डिसाइडेड एंड डिकोडेड बाय दीज पर्सन सो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है न्यू डीजी इज राजीव रघुवंशी ही इज द न्यू डीजी ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी द नेम इज इनफ

Niti Aayog has also got a new CEO. The chairperson of Niti Aayog is Prime Minister of India and the CEO is B. V. R. Subramaniam. He is the former IAS officer. Okay? So, just remember his name also, B. V. R. Subramaniam. He is the former IAS officer. Okay? So, just remember his name also, very important. Now, the last is Ajay Banga sir. Ajay Banga sir, he is the first Indian American CEO of World Bank, very important. Ajay Banga sir is the first Indian American CEO of

डी एफ नाउ सी एट नाइन पी एम ऑलिवुड चैनल फॉर द ट्वेंटी एमसीक्यूज डेली ट्वेंटी एमसीक्यूज थैंक यू वेरी मच फॉर देशन एंड टेक केयर एंड जय हिंद